फतेहाबाद व्यापार मंडल आज लघु सचिवालय पहुंचा और फतेहाबाद के एडीसी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल का कहना था कि जिस प्रकार किरियाना, दूध की डेयरी, दवाइयों की दुकान को समय दिया गया है, उसी प्रकार उन्हें भी लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने को लेकर समय दिया जाए। वह भी उस निर्धारित समय अनुसार अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। इसमें रेडीमेड के दुकानदार, कपड़ा व्यापारी, क्रोकरी के व्यापारी और फुटवेयर के दुकानदार भी शामिल थे। दुकानदारों ने बताया कि लगातार व्यापार पिट रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते वह काफ़ी मंदे की मार झेल चुके हैं। अब वह प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे हैं कि उन्हें भी कुछ समय दिया जाए, जिस समय अनुसार वह अपनी दुकानें खोल सकें। व्यापार मंडल का कहना था कि उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का समय दिया जाए, ताकि इस दौरान वह अपने व्यापार को चला सकें और अपने बच्चों के पेट पाल सकें। फतेहाबाद क्लॉथ एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गिल्होत्रा ने बताया कि एडीसी महोदय के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी सुनवाई भी की जाएगी। वह प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। और कौन कौन लोग हैं? आज हम महोदय से मिलने आए हैं कि जैसे और दुकानदारों को टाइम मिल रहा है, हमें भी कोई ना कोई टाइम मिलना चाहिए दुकानें खोलने का, क्योंकि व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और इसीलिए आज हम महोदय से मिलने आए हैं कि हमें टाइम दिया जाए और टाइमिंग ऐसे सेट की जाए कि सभी दुकानें 10 से 4 बजे तक जरूर खुलनी चाहिए। और ऊपर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे भी संभव हो सकेगा तो हम करेंगे आपके। तो कौन कौन लोग मिलने आए आप? हम सभी व्यापार यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिसमें रेडीमेड है, कपड़ा व्यापारी है, गारमेंट्स हैं, जूतों के हैं, क्रोकरी है, सभी व्यापार मंडल इकट्ठा होकर आया, सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हैं। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग उचित है और हम इस पर गौर करेंगे, क्योंकि व्यापार बहुत बुरी हालत में है और सारा दिन खाली घर बैठा नहीं जाता और बहुत बुरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो हमें भी कोई ना कोई टाइमिंग दी जाए। क्या नाम ये हमारी मांग है? राजेंद्र गिल्होत्रा, प्रधान क्लॉथ एसोसिएशन फतेहाबाद। फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दे दिया गया है, अब देखना होगा कि प्रशासन बाकी दुकानदारों के दुकान खोलने को लेकर कब आदेश जारी करता है। हालांकि सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। फतेहाबाद से स्वतंत्र खबर ब्यूरो।